लक्षदीप है उजळली घरी दारी शोभली कडा रांगोळी गुलवाती अंगणात सोन सकाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी। दोस्तों जिस तरीके का आपने दिवाली स्टेटस देखा है उसी तरीके का दिवाली स्टेटस मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, जरा भी इसकी मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर आइकन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से रोसी सेलेक्ट कर लीजिए 16.9 का दोस्तों, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे यहाँ से ब्लैक कलर का। दोस्तों इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा लेंगे। दोस्तों इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे, वहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया पर जाएंगे, यहाँ से वीडियो ले लेंगे। दोस्तों यहाँ से हम मैंने इस वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों इसकी फुल स्क्रीन पर यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, यहाँ से राइट करेंगे और उसके इसके बैकग्राउंड को हमें रिमूव कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक करने का, यहाँ से इसको एडजस्ट अपने आप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से ओके कर दीजिए यहाँ पर। दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से आप कोई भी अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों यहाँ से इस तरीके से। दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो एडजस्ट कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पर, तभी आपका फ़ोटो अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा और तभी अच्छा लगेगा दोस्तों आपको आपका फ़ोटो। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से पीछे भेज देंगे इसको बैक और इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों और इसके ड्यूरेशन को भी हम पूरा खींच लेंगे इस तरीके से। और फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से और मीडिया पर जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हम एक दूसरा फ़ोटो लेंगे दोस्तों, यहाँ से इरेजर पर आएगा, यहाँ से मैंने इरेज किए हुए हैं ये फ़ोटोज़, तो मैंने इस फोटो को भी ले लिया जाए और इसकी ड्यूरेशन को भी मैं यहाँ से इसको यहाँ से इधर खिसका दूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखिएगा आप कि इसकी जो हमारा फ्रेम है यहाँ से जा रहा है देख रहे हैं, ये जा रहा है ना ये। दोस्तों अब जो हमारा बैकग्राउंड चला गया तो हम इस फोटोज़ को भी इरेज यहाँ से कट कर देंगे कटर पर क्लिक करके दोस्तों इस तरीके से। उसको आप देख लीजिए यहाँ से, अब जी जब बैकग्राउंड जाएगा तो यहाँ से दूसरा आएगा, तो इसमें हमको ये वाला फ़ोटो लगाना है दोस्तों, ठीक है ये आ गया। तो दोस्तों हमको इस फ्रेम में इस फोटो को लगाना है, ठीक है सेम उसी तरीके से जिस पहली वाला फ़ोटो लगाया था ना उसी तरीके, यहाँ से बैक करेंगे यहाँ से इस तरीके से और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप एक साउंड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है दिवाली साउंड, मैंने इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा साउंड ऐड हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, यहाँ ओके कर देंगे और यहाँ से देख लीजिए दोस्तों हमारा साउंड है जो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कट कर लेंगे दोस्तों सभी को, यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। आप जितना बड़ा अपना वीडियो रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख लीजिए, सिंपली मैं यहाँ पर इतना ही बड़ा रखना चाहता हूँ और मैं इसको रिमूव कर दूँगा इस तरीके से। दोस्तों इतना करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है दोस्तों बनकर रेडी हो चुका है, आपको मैं एक बार चला कर दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, अगर आप इसमें दोस्तों टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको टेक्स्ट दे दिए दोस्तों इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपको दे देना है सिंपली इस तरीके से डॉट इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से देने के बाद दोस्तों यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ए पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है ओके दोस्तों इस तरीके से, और इसको यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए ओके, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए। और इसको अगर आप कलर देना चाहते हैं तो इसको कलर भी दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर करेंगे वाइट और इसको हम ये पीला कलर दे देंगे इस तरीके से, और इसको हम अगर शेडो देना चाहते हैं शेडो यहाँ से लाइन देंगे इसको
इस तरीके से, और यहाँ पर एनेबल करेंगे और यहाँ पर राइट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ओके, और इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, यहाँ पर राइट कर दिए। तो जितना बड़ा ये हमारा फोटोज है उतना ही बड़ा इसको रख लेंगे दोस्तों इस तरीके से। ओके, हमारा इसलिए दोस्तों इसलिए हमारा ये नहीं जा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि हमारा फ्रेम में नहीं है दोस्तों। फ्रेम में जा फ्रेम में अगर इसको भेजना है तो यार थ्रो पर क्लिक करेंगे और इसको आगे को पीछे थोड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ये टेक्स्ट है ना जो वो फ्रेम में चला जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर फ्रेम गया तो टेक्स्ट भी गया, गया कि नहीं। और ये हमारा दूसरा फ्रेम आया तो इसमें भी अगर हम टेक्स्ट देना चाहते हैं तो हमको थ्री डॉट पर क्लिक क्लियर पर क्लिक करेंगे और टी पर, और यहाँ से हमको टेक्स्ट दे देंगे हम इस तरीके से डॉट इस तरीके से दे देंगे। और यहाँ पर इसको भी फॉर्म दे देंगे दोस्तों इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है उसको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिए दोस्तों इस तरीके से। और इसको आप कलर देना चाहते हैं तो इसको रेड कलर दे दीजिए, कोई भी कलर दे दीजिए जो आप पसंद है। सिंपल इसको रेड दे दिया। यहाँ पर आप कुछ शेड देना चाहते हैं शेड दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लाइन और यहाँ पर एनेबल कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप इसको जो जिस कलर को देना चाहते हैं उस कलर कर दीजिए। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों राइट कर राइट कर लिया दोस्तों। इसको ड्यूरेशन को भी हमने वीडियो के साथ यहाँ पर रख लेंगे। ओके, इस तरीके से। और हमारा जो टेक्स्ट है इसको भी हम अपने फ्रेम के अंदर सेव करेंगे दोस्तों। थ्री डॉट पर क्लिक करके हम भेजेंगे इसको पीछे। ओके, ये हमारा जा रहा है। ठीक है, हमारे फ्रेम के अंदर ही है तो अंदर ही फ्रेम गया तो हमारा टेक्स्ट भी जाएगा। ओके, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करना है, हमारे वीडियो को सेव कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप सेव करना चाहते हैं उस कैटेगरी में, एच डी में, फुल एच डी में, 720 इस तरीके से भी करना चाहते हैं कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से हमारा वीडियो सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।